मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हां, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो, एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हां हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे शब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।